मोहम्मद रिजवान ने T20 में कर दी चौको छक्कों की बारिश। रिजवान ने बांग्लादेशी गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। जी हां दोस्तों, क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस वीडियो में आगे। लेकिन इससे पहले आप भी मोहम्मद रिजवान को एक विस्फोटक बल्लेबाज मानते हैं तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिए। साथ ही क्रिकेट के मैदान से जुड़ी ऐसी ही और खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि फिलहाल बांग्लादेश में बांग्लादेश प्रीमियर लीग चल रही है, जहां पर पाकिस्तानी खिलाड़ियों का जमकर कोहराम देखने को मिल रहा है। हाल ही में बांग्लादेश प्रीमियर लीग में 32वां मुकाबला खुलना टाइगर्स और कोमिला विक्टोरियंस के बीच खेला गया। इस मुकाबले में मोहम्मद रिजवान की विस्फोटक पारी ने न सिर्फ अपनी टीम को जीत दिलाई बल्कि एक बड़ा लक्ष्य का पीछा भी किया। मोहम्मद रिजवान कोमिला विक्टोरियंस के हिस्सा है। आपको बता दें की इस मुकाबले में कोमिला विक्टोरियंस ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। खुलना टाइगर्स टॉस हार कर मैदान पर बल्लेबाजी करने उतरी और निर्धारित 20 ओवर में 2 विकेट गंवाकर 210 रन बनाए। एक वक्त लगा कि कोमिला विक्टोरियंस इस मुकाबले को हार जाएगी। कोमिला विक्टोरियंस की ओर से मोहम्मद रिजवान और लिंटन दास पारी की शुरुआत करने मैदान पर उतरे। आपको बता दें कि मोहम्मद रिजवान ने महज 39 गेंदों पर 8 चौके और 4 छक्के की मदद से धुआंधार 73 रनों की पारी खेल न सिर्फ अपनी टीम को जीत दिलाने में अहम योगदान निभाया बल्कि अपनी टीम को तेज शुरुआत भी दिलाई। मोहम्मद रिजवान की 73 रनों की विस्फोटक पारी के दौरान उन्होंने मैदान के हर दिशा में बड़े बड़े शॉट्स लगाए। इतना ही नहीं, उन्होंने खुलना टाइगर्स के गेंदबाजों की जमकर धज्जियां भी उड़ा दी। मोहम्मद रिजवान की इस विस्फोटक पारी के दम पर ही उनकी टीम 8 गेंद और 7 विकेट शेष रहते ही इस मुकाबले में जीत हासिल करने में सफल रही है। मोहम्मद रिजवान ने इस मुकाबले में अपना आक्रामक रवैया अपनाया और टीम की जीत के लिए अहम योगदान दिया है। तो दोस्तों, आप भी मोहम्मद रिजवान की इस विस्फोटक पारी पर क्या कहना चाहेंगे? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट कर जरूर बताएं। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।